नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जिसकी भूमिका देश की सरकार बनाने में बहुत अहम है, और ये अब से नहीं, ये हमेशा से उसकी भूमिका बहुत अहम रही है। और अब जब चुनाव एक बार फिर से सामने है तो आरएसएस कैसे चुप बैठे रह सकती है? आरएसएस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर ली है, एक्टिवली वो दिखाई देने लगी है। संघ ने प्रांत प्रचारकों की एक बैठक चित्रकूट में 9 जुलाई को बुलाई है, जो 13 जुलाई तक चलेगी। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और उनकी पूरी टीम शामिल रहेगी। इसके अलावा देश भर के सीनियर प्रचारक वर्चुअली इस मीटिंग से जुड़ेंगे, और बैठक में विधानसभा चुनावों के साथ साथ कोरोना की स्थिति और कई अन्य मुद्दों पे बातचीत हो सकती है। इससे पहले संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी यूपी का दौरा कर चुके हैं। वे यहाँ 1 जून को ही लखनऊ का 4 दिन का दौरा करके लौटे हैं, और उनके लौटने के बाद दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में एक बड़ी खास बैठक हुई थी, जिसमें कहा जा रहा है कि होसबोले ने यूपी की रिपोर्ट उन्हें सौंपी। इसके बाद इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिम्मत को लेकर के एक ऐसी चर्चा हुई कि इस बार मोदी को एज ए फेस प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान बीमारी के मैनेजमेंट को लेकर के पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार में सीएम योगी की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। अब छवि सुधारने के लिए ग्राउंड लेवल पे काम करने की जरूरत है, और इसके लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार हुई है। और यूपी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे अभी बहुत सारा काम किया जाना बाकी है, इस पे काम किया जाएगा। इस अभियान को बड़े स्तर पे शुरू किया जाएगा, और इसका उद्देश्य यही होगा कि जनता को ये समझाया जाए कि मोदी और योगी की वजह से ही आप सेफ हैं। जनता के बीच सबसे पहले संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की विजिट होगी, वो वहां पहुंचेंगे। इसके बाद विधायक और सांसद जाएंगे और जनता को ये समझाएंगे कि यदि देश में मोदी और यूपी में योगी ना होते तो हालात बहुत खराब होते। दूसरी बात, संघ और भाजपा के कार्यकर्ता जनता को मोदी के लीडरशिप में कोरोना काल में मिली सफलता के बारे में बताएंगे। आत्मनिर्भर भारत की नीति के तहत देश में कैसे कम समय में कोरोना की 2 वैक्सीन बनाई गई, DRDO ने कोरोना की दवा खोज ली, अब भारत ने अपने दम पर कोरोना टेस्टिंग किट बना ली, पूर्ण लॉकडाउन न करके कैसे गरीबों का ध्यान रखा गया और साथ ही अर्थव्यवस्था को भी बचाया गया। जनता को ये सारे मैसेज दिए जाएंगे, ये उन्हें समझाया जाएगा। इसके अलावा केस बढ़ने पे सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई, कम समय में हॉस्पिटल खोले गए, और नेता ये जानते हैं कि कोरोना काल में अपनों को खो चुके लोग काफी गुस्से में हैं। ऐसे में जो भी नेता जनता के बीच में जाएगा वह सिर्फ उनसे संवेदना जताएगा, उनसे उनके जो जनता के अपने गए हैं उनके लिए वो अफसोस जाहिर करेगा, सरकार की बातों को उनके सामने रखेगा। यदि जनता का कोई आरोप या कोई उल्टा सीधा बोले तो उस पर उसे पलटवार नहीं करना है। इसके साथ ही नेता बयानबाजी से भी दूर रहे, ऐसा भी एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। कोई भी ऐसा बयान ना दे जिससे सरकार की छवि खराब हो या विपक्ष उनके ऊपर हावी हो जाए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको लेकर के आरएसएस ने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई है, और 9 जुलाई से 13 जुलाई तक उनकी एक बैठक होने वाली चित्रकूट में, और इस बैठक के बारे में मैं आपको सारे अपडेट देती रहूंगी। आप देखते रहिए मेरा चैनल एमबी स्पीक्स और देते रहिए अपनी कीमती राय मेरे कॉमेंट बॉक्स में। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपनी राय देना कभी ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार कर सकूं। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।